बुलंदशहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 3 बीम पर भराकर गिरे हादसे में कोई हताहत नहीं। 83 करोड़ की लागत से नरसेना के गांव गजरौला से अमरोहा के गांव वीरामपुर तक गंगा नदी पर बनाया जा रहा पक्का पुल देर रात निर्माणाधीन पुल के 3 बीम भरभरा कर गिर पड़े। लापरवाही को छिपाने के लिए बीम को गड्ढा खोद कर दबाने में जुटे कार्यदायी संस्था के कर्मचारी सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी की निगरानी में होना था कार्य, अधिकारी बने अनजान। ग्रामीणों ने लगाया घटिया निर्माण सामग्री का आरोप। नरसेना में गंगा पर बनाया जा रहा था पुल। पुल का स्लैब गिरा है, क्या जानकारी मिली है? ग्राम गजरौला तहसील सयाना में गंगा जी पर बुलंदशहर और अमरोहा को जोड़ने वाला एक पुल निर्माणाधीन था, जिसमें कल रात में 3 स्लैब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसकी जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी बुलंदशहर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। मौके पर ब्रिज कारपोरेशन के इंजीनियर्स मौजूद हैं। ईपीसी मोड पर यह पुल बन रहा था और पुल की हमेशा बीच बीच में गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच भी कराई जाती है। कल चूंकि मौसम भी खराब था और कल ही स्लैब डाला गया था, तो पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया के ये माना जा रहा है कि आंधी तूफान की वजह से? नहीं, अभी हम कल मौसम खराब था, ये सही है, कल मौसम खराब था और कल ही स्लैब रात में 11 बजे कास्ट होकर के समाप्त हुआ था और वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई घायल भी नहीं हुआ है, परंतु ये स्लैब गिरे हैं, इस घटना की जाँच कराई जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।